हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एकदम क्रिस्पी समोसा की रेसिपी। अगर आपको जानना है एकदम मसालेदार टेस्टी समोसा कैसे बनाते हैं, एकदम आसान स्टेप्स में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो समोसा बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो प्याज है, हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का था, हमने उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे 5 हरी मिर्च थी, हमने उसे भी काट लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे है बादाम 1 कप। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे धनिया का बीज। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 6 लाल मिर्च। उसके बाद हमने ले लिया यहाँ पे 4 तेज पत्ता। अब हमारे पास यहाँ पे सूखा हुआ कड़ी पत्ता है, हमने यहाँ पे 10 पीस यूज किया है। अब हमारे पास यहाँ पे है धनिया पत्ता थोड़ा सा। अब हमने यहाँ पे आलू को उबाल लिया है, हमने यहाँ पे 13 पोटैटो का यूज़ किया है। अब एक मिक्सी का जार लेंगे हम लोग, उसके अंदर हम डाल देंगे ब्लैक पेपर। उसके बाद हमारे पास जीरा था वो डाल देंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे लहसुन है वो डाल देंगे। उसके अंदर हम लोग आधा कप पानी डाल के मिक्सी को चला देंगे। देख सकते हैं हमारे यहाँ पे पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। हम लोग उसको कटोरी में निकाल लेते हैं और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इसके बाद डाल देंगे यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर। उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इन सबको अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे और हमारा यहाँ पे मसाला बन के रेडी हो चुका है। तो हम लोग आगे के स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके अंदर हम लोग सरसों तेल डाल देते हैं थोड़ा सा। इसके बाद हमारे पास 5 फोड़न है वो डाल देंगे। हमारे पास सूखा लाल मिर्च है डाल देते हैं इसके अंदर। और फिर हम लोग डाल देते हैं तेज़पत्ता और अदरक। अभी सबको थोड़ा सा हम लोग चला देंगे। अब हमारे पास जो हरा मिर्च था हम लोग वो डाल देते हैं। अब प्याज डाल के इसको हम लोग फिर से चला देंगे। और इसी के अंदर हम लोग फिर से बादाम डाल के और फ्राई कर देंगे। अगर आप लोग चाहे तो बादाम को अलग से फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी जल्दी बनाना था इसलिए हमने यहाँ पे बादाम को इसी के अंदर डाल के फ्राई कर लिया है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट अगर आप चाहे तो बादाम को अलग फ्राई करके पहले निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो धनिया का पीस था वो हम लोग डाल देंगे इसके अंदर और उसको मिक्स कर देंगे। अब हमने जो मसाला बनाया था वो अब इसके अंदर डाल देते हैं हम लोग और मसाले को हम लोग 5 मिनट फ्राई करेंगे। देख सकते हैं हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे आलू। हमने जो भी उबले हुए आलू थे उनको अच्छे से हम लोग मैश कर लिया हमने और उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे। इसको हम लोग अच्छे से फिर से चला देते हैं। अब हम लोग इसके अंदर डाल देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। देख सकते हैं आलू कितना अच्छा हमारा फ्राई हो गया है। अब हम लोग इसके अंदर डाल देंगे धनिया पत्ता। तो अब हमारा आलू यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो हम लोग इसके अंदर धनिया पत्ता डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम लोग समोसा बनाने के लिए आटा लगाना शुरू करते हैं। अब हम लोग आटा लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ ले लिया 3 कटोरी मैदा। उसके अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून मंगरेला। उसके बाद डाल देंगे 1 टीस्पून जमाइन। उसके बाद डाल देंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। अब लोग डाल देंगे थोड़ा सा नमक। अब हमारे पास यहाँ पे 1/2 कप तेल है वो डाल देते हैं हम लोग इसके अंदर। अब आपको धीरे धीरे अपने दोनों हथेलियों के बीच में मैदे को अच्छे से मिक्स करना है इसमें ऑयल को, जिससे समोसा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। ये स्टेप करने से आपको बहुत ही ज़्यादा खस्ता और एकदम अच्छा समोसा बनता है करने से, इसलिए आपको इस स्टेप को नहीं भी तो 20 से 25 मिनट तक आपको अच्छे से में मिक्स करना है। तो हम लोग अब उसके अंदर हल्का गुनगुना पानी डाल डाल के आटा को धीरे धीरे हम लोग लगा लेंगे। पहले आपको सिर्फ तेल को मिक्स करना है, उसके बाद धीरे धीरे पानी डाल डाल के इसको अच्छे से आटा लगा लेना है।
आटा ज़्यादा मुलायम भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा कड़ा होना चाहिए, एकदम मीडियम टाइप का आटा होना चाहिए। तो देख सकते हैं आटा हमारा लग चुका है यहाँ पे। अब हम लोग एक बॉल बना लेंगे आटा का, उसके बाद हम लोग इसका एक बड़ा मोटा रोटी बेल लेंगे। देख सकते हैं हमें इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और नहीं ज़्यादा मोटा भी करना है, मीडियम टाइप का अच्छा सा रोटी बेल लेंगे हम लोग। अब इसको हम लोग आधे पर से कट कर देंगे। अब हम लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे यहाँ पे बाकी के स्टेप्स को करना है। तो आपको इसका एक साइड को उठा के दूसरे साइड पर रख के उसको अच्छे से चिपका देना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर हल्का सा पानी का भी यूज़ कर सकते हैं चिपकाने के लिए। और उसके बाद देख सकते हैं ऐसे चिपक जाता है, प्रॉब्लम नहीं होता है चिपकने में। और उसके बाद आपको हल्का सा मोड़ के उसको दबा देना है उसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा समोसा का शेप बन चुका है। और अपने अनुसार आप साइज़ रख सकते हैं, अगर आप ज़्यादा बड़ा करना चाहें तो बड़ा रख सकते हैं, अगर छोटा करना चाहें तो छोटा रख सकते हैं। हमने यहाँ पर मीडियम टाइप का बनाया है, देख सकते हैं। हमने यहाँ पर एक चम्मच फेक रख दिया है इसके अंदर। अब हम लोग उसको अच्छे से समोसे को दबा देंगे। ऐसे ही हम लोग बाकी के जितने भी समोसे हैं सबको लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा बाकी का भी समोसा रख के रेडी हो चुका है। तो हम लोग इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हैं ऑयल एकदम जब हीट हो जाए तभी आपको समोसा फ्राई करना है, और आपको इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखना है। देख सकते हैं हम लोग धीरे धीरे इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, और आपको धीरे धीरे अच्छे से चारों तरफ से फैला फैला के अच्छे से फ्राई करना है, चारों तरफ से घुमा घुमा के। हमें कम से कम 5 मिनट, 4 से 5 मिनट लगेगा एक बैच को फ्राई करने में। तो देख सकते हैं हमारा समोसा फ्राई हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है हमारा समोसा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ही ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए जो हम बहुत ही आसान रेसिपी आपके लिए लाते हैं। और आप मेरे चैनल पर जाके और वीडियोज़ को देख सकते हैं।